हे यू ऑल, वेलकम टू साइकिक रीडिंग्स। आज का टॉपिक जो है ना, कार्तिक मास को लेकर है, कार्तिक मंथ को लेकर है। कार्तिक मंथ बिलीव मी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है कुछ लोगों के लिए, पर अगर आप बिलीव करेंगे तो सबके लिए। मैं स्टीजिंग का इस मंथ पे बिलीव है, फेथ है। ये मंथ काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको जो रिलीज़ करता है ओल्ड पैटर्न से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव ऊर्जा से, न्यू बिगनिंग्स के लिए, जो कि काफ़ी टाइम के लिए तक के लिए हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी स्टक होती हैं, क्लेंजिंग क्लियरिंग के लिए। तो मैंने सोचा इस कार्तिक मास की जो है रीडिंग कर दी जाए। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर ना थ्री डिफरेंट मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। आज मैंने स्पेशली सेज बर्न किया है, बट डोंट वरी, ये रीडिंग में नहीं आएगा अभी, बस जस्ट ये इंट्रो में है। बहुत ही कार्तिक मास में ना कुछ रिचुअल्स करते रहे, स्पेशली क्या क्लेंजिंग क्लियरिंग से लेकर डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर, वो आपकी बॉडी को लेकर हो सकता है, आपके घर को लेकर हो सकता है, आपके ऑफिस को लेकर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, आपके पास कर्मास को लेकर हो सकता है। ठीक है, तो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हैं थ्री पाइल्स, ये है आपका ग्रुप नंबर वन, दिस वेरी ब्यूटिफुल ग्रीन कलर का आपका कार्ड। ग्रुप नंबर टू, दिस अगेन ब्यूटिफुल, माई फेवरेट वन कार्ड। ठीक है, पर्पल कलर या लेवेंडर, जो भी आपको लगे, ये है ग्रुप नंबर थ्री। तीनों कार्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इसको कलर से, इंट्यूशन से, एनर्जी से पूछकर, जिनके पास भी है, देखिए, देखते हैं क्या पावरफुल मैसेजेस हमारे लिए आने वाले हैं। बिलीव मी, मैंने अपने लिए रीडिंग की थी एंड आई एम सीइंग दिस इज लाइक यू नो गेटिंग थ्रू, तो मुझे लगा कि रीडिंग मुझे सबके लिए ही करनी चाहिए। मैं सेज को रखती हूँ साइड पे ताकि हम लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। मुझे पर्टिकुलरली सेज का ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस अच्छा आता है और क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। चलिए, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। हे ग्रुप वन, जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये कार्ड, सो सॉरी, आपको ना सेज का धुआं जो है दिखेगा रीडिंग में जब तक भी ये बर्न होगी। ठीक है, हार्डली 15-20 मिनट्स लेती है, तब तक एक वो हो जाएगा। चलिए, एम्ब्रेस, 21 का कार्ड आया है, नवंबर मंथ के लिए कार्ड आया है एंड आई लव दिस कार्ड। मुझे कार्ड ना हमेशा से ही एम्प्रेस की एनर्जी की याद दिलाता है, पता नहीं क्यों, आई लव दिस कार्ड। ठीक है, हालांकि हम इस कार्ड से ही आपकी पूरी रीडिंग कर सकते हैं, बट मैं आज तो नहीं करने वाली हूँ एक कार्ड से रीडिंग, क्योंकि हम ना आपके उसके लिए भी बाकी रीडिंग देखते हैं क्या आती है। नंबर थ्री, कार्तिक मास जो है इस, ये नंबर थ्री की बात कर रही हूँ, किस तरह से, वाव, सी सी सी, आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई क्लेम दिस रीडिंग। अगर मेरे साथ भी ये हो तो, मेरे को ना टैरो डेक में अगर कोई कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद है, अपील करता है ना, तो दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली क्या है ना, जब ये लास्ट और लास्ट ईयर में रीडिंग में आया था ना, जितना व्हील ऑफ फॉर्चून मेरी रीडिंग में आता था ना, उतना ज़्यादा मेरे को लगता था मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। ठीक है, अब कार्तिक मास जो है आपके लिए किस तरह से जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है एंड हु यू आर, मैं बहुत हल्का सा रीडिंग रखने वाली हूँ। ये एम्ब्रेस का कार्ड है, एम्ब्रेस का कार्ड। ठीक है, एनर्जी भरपूर मिलेगी, यूटिलाइजेशन करते रहो, वेस्ट नहीं करना है। स्टार का कार्ड है, उसके बाद एफर्ट्स करते रहने हैं। आपका एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है, भरपूर मात्रा में है, तो वेस्ट नहीं होने देना है एनर्जी को। तीसरा है आपका एस ऑफ सोर्ड का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आता है कि आपको ना हर चीज़ फेवर करेगी इस मंथ में। हाँ जी, सेज का जो इतना ज़्यादा फ्यूम हो गया था ना कि मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाई। एस ऑफ सोर्ड का, जैसे कि मैंने कार्ड बोला था ना, आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आने वाला है। आप लोगों को ना अपने प्रोटेक्शन पर बस ध्यान देना है, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, वो ट्रू हो जाएगी। करते रहो, जो चीज़ें भी आप जैसे लाइफ में चाहते हो, ये होगा। ये मंथ आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेवर करेंगे, डेस्टिनी की तरफ से, यूनिवर्सल एनर्जी जो होती है आपकी, जो कहते हैं ना कि लक फेवर कर रहा है, यस, डेस्टिनी फेवर करेगी, डेस्टिनी आपको बहुत सारा फेवर करेगी। ठीक है, क्लैरिटी मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी आपको, बस आपने एफर्ट्स करते रहना है, रुकना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, काम ज़्यादा है, बल्कि चीज़ को और उत्साह से और एनकरेज होकर करना है, मोटिवेशन, मोटिवेटेड, अपने सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है आप लोगों ने। ठीक है,
और देखते हैं कि कार्तिक मास आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आता है द सन का कार्ड। ये एक्चुअल में दिस इज योर एनर्जी ग्रुप नंबर वन। ये आपकी एनर्जी है, सन की एनर्जी। आपका जो देखिए, पता नहीं कि मुझे ये मंथ ना यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को लेके बड़ी विक्ट्री को बता रहा है आपकी, क्योंकि इसके साथ ना क्वीन ऑफ सोर्ड आई है और इसके साथ साथ आया है आपका यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, चलो देखते हैं। आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, लीडरशिप जैसे होता है ना कि आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, आप अपनी पोजीशन जो है डाउन देखते जा रहे थे, डाउन थी, लो थी, एफर्ट्स भी कर रहे हो। ऐसा होता है, हम एफर्ट्स करना जब नहीं छोड़ते हैं ना, इट हैपन विद मी ऑल्सो। मैं कुछ लास्ट मंथ से एफर्ट्स कर रही थी, आई वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस, तो मुझे मैंने कुछ दिन के लिए पोज दे दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, बट अंदर था अगर नहीं करना तो क्या है। फिर मुझे फ्रॉम माई स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर या कुछ भी बोलो, उनका मुझे ऐसे याद आया कि इतना तो करो जितना मिल रहा है वो तो करो, वो भी ईजली एक्सेसिबल थोड़ी है। तो मुझे लगा नहीं करना है ना, आई स्टार्टेड अगेन, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सेम चीज़ें आपके यहाँ पे है, जिससे क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट होने का मतलब क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, आपने एफर्ट्स किए, आपको सक्सेस मिली, और वो सक्सेस ना आपने, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम पीरियड से आपकी सक्सेस आपको इतना अच्छा नहीं मिल रहा होगा, तो फिर वो फिर से आप ट्रैक पर आ गए, जो कि इस आपको आपका पोजीशन बहुत सक्सेस, मतलब मुझे पावरफुल लग रहे हो आप इस मंथ में, हो लग रहे हो, ब्रेन काफ़ी अच्छे से आपका काम करने वाला है, एफर्ट्स आपके, आप फटाफट से चीज़ों को कर लोगे, क्विकली डिसीजन लोगे और सही डिसीजन लोगे इस मंथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में एक तो कैसा सफेयर है, पता नहीं क्या मीन्स पता है क्योंकि कुछ तो है यहाँ पे कुछ। अगेन मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर तरह के लोग देखते हैं ना, तो हर किसी के लिए अलग है। सपोज कुछ लोग यहाँ पे किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसको फिर से वापस किसी चीज़ को फ्लरिश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोलूँ, किसी का बिजनेस है, कोई एक नया प्रोजेक्ट पर कुछ करने की सोच रहा है, तो वो आपका मुझे आपने स्टार्ट कर दिया है नवंबर मंथ में। आपने जो एफर्ट्स किए मीन्स कि आपने पूरा सोच के कर लिया कि हाँ अगर स्टार्ट हुआ है तो किया ही इसलिए, क्योंकि कोई काम जब स्टार्ट होता है ना, या तो होता नहीं है, होता है तो इसलिए होता है क्योंकि उसको फिर पूरा होना होता है। तो आपने जो भी नवंबर मंथ में काम स्टार्ट किया है ना, फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हो, कुछ ईयर्स के लिए हो, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए है, तो वो चीज़ आपकी सही, वो आप करोगे इस मंथ में, मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी साइकिक स्पिरिचुअल आप हो ही इन चीज़ों के टच में, कार्तिक मास में तो रहना है। पता नहीं क्यों मुझे, मैंने जैसे ही ऐसे बोला, हालांकि सेज है मेरे सामने पड़ी है, बट मुझे फिर खुद को भी सेज दिखा है मुझे, सेज के अपने अगर हो, सॉरी मेरे को लगा था जैसे मैं डेली कर रही, होता ना सबके पास होता है, तो सेज इंसेंस मतलब धुआं जैसे किसी चीज़ का होता है, वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपके आसपास के माहौल को, वातावरण को। जरूर करो, गूगल होता है ना, कुछ भी शांबरी सम्राणी होता है तो कुछ भी वो तो करो ही, कैंडल दिया तो हम लिट करें, उसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी करनी है। कोशिश करो कि जितने आवर्स आप बर्न करके रखते हो कैंडल को, दिया को, इंसेंस को, फ्यूम को, वो करो, दिन में 2 बार करो, मॉर्निंग टाइम में और संध्या के टाइम में करें, और आपकी एनर्जी इस मंथ में बिलीव में काफ़ी हाई रहने वाली है, तो उसको डाउन नहीं होने देना। बीच बीच में आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह हो सकता है, यार कर दो, ऐसा कर लो, नहीं करो, नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप अपने आपको रखते हो तो सक्सेस आपको मिलेगी, ये फॉर श्योर है, क्योंकि सक्सेस की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। ठीक है, और कुछ देखते हैं आपके लिए। पता नहीं क्योंकि आप ऐसे टास्क भी करने वाले हैं जो कि आउट ऑफ जाकर उससे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे लिए। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड। आप लोग ना मेरे को टिपिकल यहाँ पे आइदर कनेक्टेड हो आप किसी एयर साइन से, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या फिर आप मे बी फायर साइन भी हो सकते हो। ठीक है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से आप बहुत बहुत स्ट्रांग है, और योर ब्रेन इज गोइंग टू प्ले वेरी वेल रोल इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो ध्यान रखिए आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बोलने वाली हूँ, या मे बी दिस मंथ इज ये मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा रह रहा है इसलिए भी। ठीक है, हालांकि टुडे इज ओनली सेकेंड, तो फिर भी ट्रैवलिंग करोगे, कहीं जाओगे, जल्दी में आओगे,
कहीं जाके कुछ काम करना है फटाफट से, जैसे काम है ना, ये भी कर लो काम, वो भी कर लो, इस काम को भी कर लो, वो भी काम को कर लो, काम काफी रहेगा तो उसको करते भी रहोगे आप, क्योंकि बहुत अच्छा है। और कुछ देखें आपके लिए कार्ड्स के, कार्तिक मंथ, या ये कार्ड भी अपने आप में जो है, जो लोग काफ़ी सारे टाइम से फंसे हुए थे अपने लिमिटेड ब्रेन में, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, मैं ऐसा कैसे करूँ, हो नहीं सकता, फलाना है ढिमकाना है, पता नहीं क्यों, ऑल ऑफ सडन किसी अननोन एनर्जी की वजह से अगर आप स्टक थे, आपको पता नहीं था कि क्या चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, कोई उदासी सी, कोई होपलेसनेस की जी निराशा है, अब वहाँ से बाहर निकलो, क्या आपको कुदरत की तरफ से ही निकाला जाएगा, क्योंकि इस मंथ की एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है दोनों के लिए। कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं इस मंथ में, मे भी कार्तिक का मंथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, सबके लिए होता है, यू नो पंजाबियों में हमारे में कत्तक दा महीना भी बोला जाता है इसको, इसमें गुरुद्वारा में आप सरोवर साहब में जाके आप स्नान करते हो, या मॉर्निंग अमृत वेले उठ के आप पाठ वगैरह करते हो, कीर्तन सुनते हो, फिर यू नो आप हिंदू में भी देखें तो उसमें भी मंत्र दामोदर अष्टकम, जो लॉर्ड कृष्णा के विष्णु के डिवोटीज हैं वो करते हैं, दिया लेट करते हैं दिवाली आने तक, इसका यू नो डिपेंड करता है। तो मुझे यहाँ पे ना एक फ्लैग जरूर दिख रहा है, बिलीव मी, अ ब्यूटिफुल फ्लैग, जो कि ये फ्लैग के दो मीनिंग है, एक तो अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ों के साथ डील कर रहे थे तो वहाँ पे आप उन पर भारी रहोगे, मीन्स आप विक्टोरियस रहोगे, आप लोग काफ़ी टाइम से एक तो कुछ चीज़ों में स्टक थे, जहाँ से आप बाहर निकल के पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली बाहर आ जाओगे निकल के। थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग भी, या आप लोग हो या आपके आसपास के लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई सम टाइम्स हम जिन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं ना, हमें लगता है नई चीज़ें अफेक्ट नहीं कर सकती हैं, वो भी हमें करती हैं। यहाँ पे आता है आपका फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, ये फेस्टिवल का सीजन है, अच्छे से करोगे क्या, अच्छे से करना है उसको, डेकोरेट करना, जितना आप अपना फेस्टिवल इस सीज़न को सेलिब्रेट करोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोग को वजह नहीं चाहिए कि ये पर्टिकुलर फेस्टिव है, ये दिवाली है या भैया दूज है या और भी कोई करवा चौथ था जैसे, तो आपको तभी करना है, इस पूरे मंथ को ही सेलिब्रेट करो थोड़ा थोड़ा करके, कैसे भी, मीन्स आज ये कर लेते हैं, फ्लावर से डेकोरेशन कर देते हैं, आज कहीं बाहर चले जाते हैं, आज किसी टेम्पल में विजिट कर लेते हैं, गुरुद्वारे में कर लेते हैं, करो घर, ये फेस्टिव मंथ ही रखो इस वाले को, ये आपके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेके आएगा, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर भगाएगा। ये मंथ में आप बहुत सारी सेविंग्स भी करने वाले हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जो कि मंथ आपका बहुत अच्छा रहेगा, और ये आइडियाज़ ना आपको खुद को मिलेंगे कि कहाँ करना है, कैसे करना है। रूट चक्र आपका बहुत अच्छे उसमें रहने वाला है, रूट चक्र क्या, पहले से स्ट्रगल्स कम होंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, चीज़ें मनी मैटर्स के लिए मंथ फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने हैं, कुछ ज़िद्दी नहीं बनना है, स्टबर्न नहीं बनना है, रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करने के साथ साथ उन चीज़ों के साथ जो तो जिम्मेदारी, जो टास्क आती है ना, उनको भी करना है, जो कि आप मुझे यहाँ पे करते हुए भी दिख रहे हो। सो भाई कार्तिक मंथ तो हमारे लिए, आपके लिए ग्रुप वन बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, सो इसको तो रखिए संभाल कर। ये थे आपके रीडिंग, मैं इतनी ही करने वाली हूँ, आई होप दिस रेजोनेटेड विथ यू, हैप्पी कार्तिक मंथ एंड बाय बाय। ये ग्रुप नंबर टू जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका, ये कार्ड हर्मिट का कार्ड आया है, ओके, वर्गो की एनर्जी। आज ना मैं और कार्ड भी देखने वाली हूँ कि बेसिकली आते क्या है और कार्ड हमारे पास। कार्तिक मास जो है मेरे लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, आई एम सो सॉरी मैं स्टेज के उसमें बैठी हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी। आज स्टेज ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्न हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मैं डेली करती हूँ बट रीडिंग में नहीं, नॉर्मली मैं अपने लिए करती हूँ। हार्मिक का कार्ड आया है आपके लिए, एक और कार्ड देंगे हम यहाँ पे ग्रुप नंबर टू के लिए, कार्तिक मास जो है आपके लिए क्या ग्रेट। कार्तिक दो कार्ड आए हैं तो मैं एक ही लेना, नहीं वो दोनों फिर से आए हैं आपके लिए, ये आए हैं आपके लिए दो कार्ड, आपको आपके रीडिंग में धुआं वगैरह सब दिख सकता है, प्लीज इग्नोर करना क्योंकि सेज लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं इंटरप्रेट कि कार्तिक मास आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपको बहुत सारी एडवाइस मिलने वाली है कार्तिक मंथ में, ठीक है, करेंगे उसको फॉलो। हाँ जी ग्रुप टू, एक्चुअली बहुत सेज का ना धुआं हो गया था जिसकी वजह से मुझे रीडिंग को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। आपके यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना, दैट इज हर्मिट, हैंग्ड मैन, सोर्स, एट ऑफ सोर्स, जीरो, फूल का कार्ड, ये मंथ ना आपके लिए बहुत सारी एडवाइस लेकर आ रहा है,
ग्रुप टू के साथ हो सकता है ये, अब ये जिसके साथ रेजोनेट करेगा ना वही कंटिन्यू करे इस रीडिंग को। ग्रुप टू आपके साथ क्या हो सकता है, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, सिंगल पर्सन हो सकते हो, सेपरेटेड हो सकते हो, पार्टनर से अलग हो सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से या कुछ भी और रीजंस की वजह से अगर आप कुछ चीज़ों के लिए ये सोच रहे हो, जैसे एक काम को करने के दो तरीके होते हैं ना, जब कोई चीज़ हमें फेवर नहीं कर रही होती तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे रिचुअल्स करने लग जाते हैं। सपोज़ कार्तिक मास को आप भी जानते हो कि मैं ये भी कर लूँ कार्तिक मास में, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बिलीव मी। ये चीज़ें देखिए, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना यहाँ पे अच्छा रहेगा। मैं आपके कार्ड्स को देख के बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे आपका हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। आप जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप साउंड डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, साउंड डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से ऐसा ना मिस्टेक पर मिस्टेक होती रहे। किसी ने बोला कि ये कर लो, आपने कहीं से यूट्यूब पे देखा या कहीं रीड किया या किसी के पास काउंसलिंग के लिए गए, चाहे वो टैरो रीडिंग या कुछ हो, तो ये कर लो वो कर लो, थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। क्यों? यू आर द रीज़न फॉर दिस। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ी सी हार्श हो सकती है, अदरवाइज अगर मैं आपकी जनरल एनर्जी को देखूँ ना, बहुत अच्छी है, सर्विंग की है, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ से अलग हो, यूनिक हो, और दूसरों को सर्व करने के लिए हो। पीपल लोग जो है आपको एडमायर करते हैं, अडोर करते हैं, बट पता नहीं कि आप किस और ही ट्रैक पर चल रहे हो। और मुझे ये ट्रैक ना आपका अब से नहीं लग रहा कि आप अब से इस ट्रैक पर, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस ट्रैक पर चल रहे हो। कार्तिक मंथ बेसिकली आप एक क्या कह रहा है कि भाई स्टॉप, अब रुको, निकलो इस ट्रैक से बाहर, इस ट्रैक से बाहर निकलो। एंड प्लीज़ इस इन फोर कार्ड्स को खुद देखो और एनालाइज करो कि आपको इसमें से क्या निकल के आ रहा है। मुझे यहीं पे यही एडवाइस मिल रही है स्पेशली आपके लिए। इसके अलावा और देखते हैं आपके लिए इस मंथ में क्या रहने वाला है। रूप नंबर क्या है हमारा, टू के लिए अपने, यहाँ पे कार्मिक्स आए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, सी मैंने आपको बोला नया रास्ता चुनना है आपने, जो कि फुल ऑफ आपको गाइड किया जाएगा। आप किसी भी स्पिरिचुअल साइंस, सिम्टम्स, इवन आपका पेट, इवन कोई छोटी सी चीज़, बच्चा, कोई भी एक छोटी चीज़ आपको इंस्पायर कर सकती है सही ट्रैक पर जाने के लिए, क्योंकि अब तक आप राइट ट्रैक पर नहीं हो। कोई भी ऐसा आपकी लाइफ का पार्ट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप राइट ट्रैक पर नहीं हो, तो ये मंथ आपको इंस्पायर कर रहा है कि राइट ट्रैक पर आने के लिए। सो मैं अगेन यही बोलूँगी, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके साथ ये रेजोनेट यहाँ तक कर रही है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। सी अगेन, सी यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मैंने क्या बोला आपको, किसी भी तरह के इस तरह के रिचुअल्स में नहीं पड़ना है जो कि आपके साथ नहीं है। बैड कंपनी को अवॉइड करना है। अगर आप खुद की अकेले की कंपनी में रहते हो, बोलते हो कि नहीं मैं तो खुद के ही साथ रहती हूँ, आपके ज़्यादातर लिंक्स नहीं हैं, तो वो भी आपको छोड़ना, मतलब वो खुद का लोनलीनेस जो कि इंसान का दिमाग ख़राब करती है, उसको भी छोड़ना है। किसी भी तरह के रिचुअल्स में आपने नहीं पढ़ना अननेसेसरली। मोड ऑफ गुडनेस को ही चूज़ करना है। सिंपल चीज़ें जितनी रहेंगी, जितना सिंपलिसिटी से करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ मीन्स क्या, आपने कर दिखाया। स्ट्रेंथ मीन्स आपने कर दिखाया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सी चीज़ें आपने यहाँ पे क्या करनी है, सिंपली फ्लावर्स ऑफर करो, ठीक है। कार्तिक मंथ में आपके लिए सिंपल रेमेडीज़ क्या है पर अफेक्टिव है, बिलीव मी। फ्लावर्स ऑफर करने हैं आपने, आपने कोई हार्ड पेनेंसेस नहीं करने। हार्ड थिंग्स आर नॉट फॉर यू, मे बी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इमोशनल हेल्थ या लोनलीनेस हो सकती है कि भाई आप अलोन हो सिंगल करके, तो आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना। चैंट करिए, दुर्गाष्टकम वगैरह चैंट करिए, शक्ति को वर्शिप करिए। सिंपल चीज़ें जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैंडल, लाइट परफ्यूम्स, फ्रेगरेंस वाली चीज़ों को अपने टच में रहना है। लाइट क्लोथ पहने, क्लोथ्स के कलर्स भी बहुत ज़्यादा डार्क वगैरह नहीं पहने, मीन्स खुद को बहुत लाइट और हल्का रखें। कलर्स क्या यूज़ कर सकते हो, लाइक पिंक हो गया, वाइट हो गया, यू नो आपका सी ग्रीन कलर हो गया, स्काई कलर हो गया। और अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि क्रिस्टल्स यूज़ करने, एमिथिस्ट यूज़ करो, रोज़ क्वार्ट्स यूज़ करो, और आपका क्लियर क्वार्ट्स यूज़ करो, ठीक है। सेज बर्न करो, विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। डार्क कलर्स नहीं करो। गोल्ड का इस्तेमाल इस मंथ में थोड़ा सा कम करना, ठीक है, मतलब हैवी चीज़ों का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करो आप इस मंथ में। और यहाँ पे क्या है, एक तो और चीज़ें आई थी मुझे, फ्रेगरेंसेस का यूज़ करो ना, लाइट कलर्स यूज़ करो, बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाओ। डीप साधना भी मेरी भी मत जाओ, नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, चीज़ें रॉन्ग चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लीव दिस नाउ, अब क्योंकि अब हम करने वाले हैं सिर्फ राइट राइट की क्या ब्लेसिंग्स हमारे लिए क्या आने वाली हैं, ठीक है।
क्रिप्टो के लिए कार्तिक मंथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट आई ऑलवेज सा ये दूसरे कार्ड से निकल कर आए हैं। ठीक है, तो ये आपका ला रहा है सिक्स ऑफ ये दूसरे कार्ड से आया था इसके। हाँ, आपको आपकी ये एक ओल्ड एनर्जी को डेफिनेटली यहाँ पे मैं श्योर हूँ छोड़ना पड़ेगा, जो कि रिचुअल्स में भी, अगर आप हीलर हो, टैरो रीडर हो, या इन सब चीज़ों में हो, इन सब चीज़ों में से ये चीज़ें बहुत ही पायस होती हैं। एक्सेस हो उन्हीं को करनी चाहिए, जिनको एक्सेस नहीं हो ना प्लीज़ इस चीज़ को मीन्स वो नहीं करो कि क्यों नहीं, तो नहीं करो। बेटर है कि आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखें, एक एक करके चीज़ों को करें, प्रैक्टिकल तरीके से आपको चीज़ों को करना है जैसे कि आपको सक्सेस मिलेगी। ट्राई तो आपको आपने डेफिनेटली चूज करना, कोई तो एक ओल्ड चीज़ है जिसको कि आपको ओल्ड चीज़ें, या चीज़ है जिसको कि आपको आपका माइंड है, आपकी परसेप्शन है, कोई चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ें हैं, आपका बिहेवियर है, कुछ तो है जिसको कि आपको यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ पे आता है डेथ का कार्ड, नंबर 13 का कार्ड, क्योंकि देखिए कुछ तो यहाँ पे बैड लक है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जाएगा, जाना चाहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो चीज़ गाइड कर रही है ना, हो सकता है उसको भी इफेक्ट आए, आपका कोई पेट हो सकता है, कुछ तो हो सकता है जिसको यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना इस बैड लक की जो एनर्जी है ना, उसको जाने देना, चाहे वो दिखे कि किसी भी फॉर्म में। सपोज जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि दे आर कनेक्टेड विद दिस और दैट थिंग। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, मैं उनमें भी काफ़ी बिलीव करती हूँ। सपोज गॉडेस काली है, तो आप बोलते हो कि आप उनके डिवोटी हो, वर्शिपर हो, किस सेंस में हो? अगर उनको वर्शिप करने से भी हैव इश्यूज विद शोर टेम्पर, चीज़ें वहीं की वहीं हैं, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, नहीं, इसका मतलब क्या है? उस एनर्जी को प्योरीफाई करना है ना, उस फॉर्म में नहीं मानना, वो फॉर्म आपके लिए नहीं है, उनको शांत सौम्य फॉर्म में मानना है, तभी ये जो जो भी आपके इश्यूज हैं, वो ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है इस नवंबर के मंथ में। इसलिए मैंने यहाँ पे गॉडेस दुर्गा का नाम लिया है। यहाँ पे आता है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाउ सी, ये दो कार्ड्स में और इस कार्ड में, अब आप खुद से ही डिफरेंस देख लो, यहाँ पे दो एनर्जीज काम कर रही हैं जिससे कि आपको खुद को चेंज करना है। ये रहा पर्सन इज रिग्रेटिंग, अरे भाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, करना कुछ और था। यहाँ पे सोर्स है रिवेंज, ये चीज़ करनी है मुझे, ये करना है, ऐसे करना है, काम नहीं करेगा आपके केस में यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बुक खुली है, और कैस भी यहाँ पे हैप्पी नहीं है, एक दूसरे को देख रही हैं, परेशान है। दूसरा कार्ड सेम है, यहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, लोग भी थोड़े अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं, स्टेटस के लग रहे हैं, ये भी यहाँ पे रिचुअल कर रहे हैं, बट यहाँ पे फायर बर्न हो रही है अच्छे से, चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई भी चीज़ को अगर आपको करना है ना, तो भाई उसको सोच समझ कर कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लाइट चीज़ों को ही करें, डार्क हार्ड चीज़ों को आपने यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी कंपनी से, आप लोग जिस भी तरह की कंपनी में आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उस चीज़ से अवेयर रहो, क्योंकि कंपनी एक इंसान के लिए बहुत मैटर करती है। जिन लोगों का मैंटालिटी थोड़ा सा नेगेटिव हो, ऐसे हो, उनसे थोड़ा सा आप लोगों ने अवेयर रहना है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। यस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप लोग जितने क्लियर रहोगे मेंटली, ये मंथ आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने मेंटली स्टक रहोगे, मतलब बुरे विचार आएंगे, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये मंथ आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं जाएगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, कि बेसिकली ब्लेसिंग्स क्या हैं। यहाँ पे आया है द एम्परर का कार्ड, जस्ट अ मोमेंट, समवन इज देयर। और यहाँ पे आया द वर्ल्ड का कार्ड, ग्रेट। और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगेन ब्यूटीफुल। हाँ जी, ग्रुप नंबर टू, ये जो अभी आपका यहाँ पे कार्ड आया है ना, ये आपका एम्परर का कार्ड है, ठीक है, जो कि हमारा आया था चैलेंजिंग पोजिशन में, ठीक है, चैलेंजिंग पोजिशन में। दूसरा आया था अपना यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तीसरा आया था आपका यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि 21 का कार्ड है। पता नहीं मेरे को ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है, मैं अगेन सॉरी, ये रीडिंग थोड़ा सा अलग आया है, क्योंकि मैं हर रीडिंग को बहुत पॉजिटिव उसमें करने वाली हूँ, पर फिर भी जो आया है हम वैसे ही उसको लेकर चलेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे आप लोग अब तक एक सही गाइड को, सही पाथ को, सही ट्रैक को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको गाइड कर भी रहा था, तो आप उसमें से कुछ फॉलो करते हो, कुछ नहीं करते हो, बट आप आइदर होता ना, आइदर डू दिस और डू डैट, हाँ या ना, आप उस पर नहीं, या बीच में हो कि ये भी कर लेते हैं, वो भी, वो सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं पर ना परेशान करेगी, वो सिचुएशन आपके एफर्ट्स को, आपकी सक्सेस को थोड़ा सा डिले कर रही है, बट हाँ, एटलीस्ट यू स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई, मुझे चीज़ें ऐसे ऐसे करके सही तरीके से करनी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके साथ कार्तिक मास में होने वाली है, वो ये क्या है, नेगेटिविटी को आप
खुद बोलोगे कि नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, चाहे आपके अंदर की है, लोगों की हुई है, कुछ भी नेगेटिव आपकी परसेप्शंस हैं, नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, आप कहीं पे स्टक हो, ये रिचुअल्स वाली हैं। मीन्स क्या होता है ना, जैसे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, जो ओल्ड रिचुअल्स है, ओल्ड वेज है, ओल्ड पाथ है, पुरानी चीज़ें, आप उनको बोलोगे कुछ नहीं होगा इनसे, जाओ। आप खुद को लाइट हार्टेड, आप खुद की एनर्जी को लाइट रखना चाहते हो कार्तिक मंथ में, आपको ऐसा रहेगा। और आप लोगों को ना, पता नहीं, मैंने शायद आप लोगों को ना लाइट चीज़ें पसंद आएंगी करनी, लाइट कलर्स, लाइट चीज़ें, ठीक है? तो उसी पर ही फोकस रखना आप अपना। एक तो और कार्ड्स देखती हूँ फिर भी आपके लिए, कि ये जो कार्तिक मंथ जो है आपके लिए बेसिकली ब्लेसिंग्स क्या लेकर आ रहा है। कार्तिक मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या ला रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। भाई आपको ना एक चीज़ को लेकर आप लकी हो, एटलीस्ट आप बहुत लकी हो एक चीज़ को लेकर। आप लोगों को गाइडेंस तो सही, लोग कहते हैं मैं गाइडेंस नहीं मिलती, आप लोगों को गाइडेंस तो सही मिलती है। अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये स्पॉइल कर देते हैं। आपको एटलीस्ट गाइडेंस ठीक मिलती है प्लीज़, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। फॉलो करिए राइट गाइडेंस को, ठीक है? वेस्ट नहीं करिए दूसरी चीज़ों में कि नहीं हम ये कर लेते हैं हमें मिलकर। कुछ लोग एनर्जी वार्ड में भी होंगे ना, हीलर होंगे, ये होंगे, एक साथ वो चीज़ें कर लेंगे। आप एक किसी चीज़ को चुनो, उस पर एटलीस्ट महारत हासिल करो, क्योंकि वो एक चीज़ ही काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। सही, फोर ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए, जो भी रखा जाए आप डिससेटिस्फाइड नहीं होइए प्लीज उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मून की एनर्जी आपको बार बार डिस्टर्ब करती है, आपको इन चीज़ों की तरफ धकेलती है, जो कि शेडो साइड है आपकी। शेडो साइड के से निकल कर आपको आपके लाइट साइड में जाना है, जिसके चांसेस बिलीव में 80% है इस नवंबर मंथ में, इस कार्तिक मास में। जितना हो सके उतना लाइट और सिंपल एक्टिविटीज़ करिए इस मंथ में। मेरे पास फिलहाल आप लोगों के लिए यही था ग्रुप नंबर 2। आई होप रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको लगता है कि नहीं, और अगर इसमें से भी आपको कुछ एडवाइस मिले, प्लीज़ फॉलो इट। अगर नहीं तो आप फर्स्ट और थर्ड पाइल कुछ भी देख सकते हो। ऑलराइट, हैप्पी कार्तिक मंथ एंड बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है आपका, ये वाला कार्ड, दिस इज शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, ग्रेट। नवंबर का मंथ कुछ लोगों के लिए बहुत पावरफुल रहेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर फेथ रखते हैं तो हम सबके लिए। मैं सेज के फ्रेम में बैठी हूँ, आवाज़ आपको मेरी अलग लग सकती है, देर करना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ही बर्न करना स्टार्ट कर दिया है इसको। टिल दिवाली तक तो मैं डेली विदाउट उसके करने वाली हूँ इसको, एक कुछ भी एक दिन भी मिस किए हुए। एक और कार्ड देते हैं आपका कि आपके लिए क्या वो आता है। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं, देखते हैं कार्तिक मास जो आपके लिए किस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये ग्रुप नंबर 3 मैंने बीच में ही रीडिंग को स्टॉप किया था, सेज काफ़ी बहुत ज़्यादा था, आज सेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्न हुई थी, तो मुझे रूम से कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा। खैर, एनीवेज, आपके आए हैं ये वाले कार्ड्स, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। अब कार्तिक मंथ के बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, आप तो ऑलरेडी लोग ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स में हो, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग लीनियस से बिलोंग करते हो, चाहे वो लीनियस लक्ष्मी संप्रदाय से हो सकती है, किसी बहुत ही ग्रेट हीलर के लीनियस से हो सकते हो, ठीक है? आगे लीनियस से मतलब होता है ना कि एकदम, जिस मैं क्या बोलूँ, मीन्स ऐसा नहीं कि जनरेशन वाइज आ रहा है, जनरेशन वाइज नहीं है, आइदर आप एक ऐसी लीनियज के बहुत ही नियर कॉन्टैक्ट में हो, बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे होता है ना समटाइम्स आपका पार्टनर, आपके पर्सन है फैमिली में से कोई एक पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग लीनियज होता है, आप उनके कॉन्टैक्ट में हो, आइदर ऐसा है, क्योंकि आइदर क्या, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स के साथ साथ यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी एक पर्सन, आप लोग स्ट्रॉन्ग लीनियज से हो, ये कार्ड तो यहाँ पे ही बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोटेंशियल्स आपके अंदर उतनी ही हाई है जितनी कि आपकी लीनेज में थी। अब ये 2 तरह के लोगों के लिए आ रहा है, या आपके पार्टनर के लिए चीज़ आ रही है, या आपके लिए आ रही है, कि भाई अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो उनके अंदर पोटेंशियल्स बहुत हाई हैं, जस्ट लाइक देयर एंसेस्टर्स, ठीक है? बट डिपेंड करता है वो इस जर्नी में कहाँ तक है, जो कि पर काफ़ी हद तक तो वो शुरुआत कर ही चुके हैं, मीन्स क्या, एटलीस्ट शुरुआत हो चुका है, उनके लिए भी अभी बेबी फॉर्म में है, ठीक है?
फिर आता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, मिसिकार ऑब्वियसली, ओके लेट्स कम टू द पॉइंट. कार्तिक मंथ बेसिकली क्या है, आपकी एनर्जीज को काफ़ी मच्योर होंगी, आपके अंदर जो पोटेंशियल्स है ना हीलर की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की, जिस भी चीज़ में आप पोटेंशियल देख रहे हो, सपोज आप अपने करियर में देख रहे हो, सपोज आप किसी हीलिंग उसमें देख रहे हो, किसी बिजनेस में देख रहे हो, किसी रिलेशनशिप में, साइकिक उसमें देख रहे हो, या किसी चीज़ को ठीक करना है कि नहीं मुझे करके रहना है, तो आप उसके मच्योरिटी के लेवल पर पहुँचेंगे. शुरुआत करेंगे और मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचेंगे. यहां पे ना आप लोगों को देखे टस, ये मंथ आपके लिए ना आपके पास जो आपके पास्ट का ट्रेजर है ना, एक्सपीरियंसेस की नॉलेज है, उसको दिमाग में रखिए और छोटी छोटी चीजों को आप लेट गो करोगे. मैं खुद को अफेक्ट नहीं होने दोगे, आपको पता लगेगा ये टेम्पररली है, टेम्पररी है ये चीजें, ठीक है. आप चिल्ड रहने वाले हो, रिलैक्स रहने वाले हो, आपके डिसीजंस नहीं रुकने वाले. हाँ, ऐसा कुछ और कार्ड सीखते हैं आपके लिए. हमारे पास यहाँ में ग्रुप नंबर 3 कार्तिक मास बेसिकली आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या लेके आ रहा है. कार्तिक मास ब्लेसिंग्स फॉर हमारा ग्रुप नंबर 3, 7 ऑफ सन्स का कार्ड. इसी खत्म चीज में से भी जब आप कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ निकाल लेते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ अरे कुछ तो पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है. ये वो वाला कार्ड है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की वाइब्स आ रही हैं जो कि जा चुके हैं. मुझे उनकी वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस रीडिंग में. या ये मंथ में ना आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी से ज़्यादा कनेक्ट रहने वाला है ये वाला ग्रुप जो है. अगर आप लोग को मीन्स जो लोग मे बी आपके लाइफ में से जा चुके हैं ना, आपके लव्ड वंस हैं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर पार्टनर, मीन कोई भी, आई एम सो सॉरी, आप लोग जो है ना, द पीपल विल विजिट यू. आपको इस मंथ में स्पेशली ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 3, आप लोगों को बहुत सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स विजिट करेंगे, ड्रीम्स में आएंगे, डायरेक्ट दिखेंगे. तो आप लोगों ने शायद उससे घबराना, परेशान नहीं होना है कि आप लोगों को डिफरेंट एंटिटीज दिख रही हैं. नहीं, वो सब स्पिरिचुअल एंटिटीज होंगी. इसमें से कोई फीमेल फिगर बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, या ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, कुछ केसेस में मदर में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग वो भी आपसे कनेक्ट रह सकती है. और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स जो हैं वो आपको विजिट करेंगे, वो आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट रहेंगे. मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ, डेफिनेटली फॉर श्योर रहेंगे. तो आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि भाई क्यों हो. तो ये जितने भी ऐसे द मून का कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको ना यहाँ पे यह मंथ आपका मून की एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. तो हो सकता है इस ग्रुप के साथ दो चीज़ें ऑलरेडी, हो सकता है कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा चल भी रही हो उनके लाइफ में, थोड़ा सा बोलेंगे हाँ लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियाँ तो ये हैं ही हैं, अगर हैं तो वो है, ठीक है. मैं यहाँ पे डिनाई नहीं कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, एक्सेप्ट करना है ताकि आप इन चीज़ों से बाहर आ सके. बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ना ये मंथ कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने को लेके. कुछ साइकिल्स कंप्लीट होंगे, फेवर में जाएंगे, यूनिटी लेकर आएंगे, एक अचीवमेंट में ऐड होंगे, एनर्जी पहले से बैलेंस रहेगी, मून की एनर्जी ज़्यादा और जितना भी है आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, या अगर आपको पहले करती होगी तो लाइक योर लक, रिलेशनशिप्स, इंस्टेबिलिटी टाइप की चीज़ है, चाहे आपके ब्रेन में हो, स्पेशली दिल दिमाग आपका इंस्टेबल रहता हो. ये मंथ आपके लिए ये चीज़ें, ये जो तो कार्ड्स हैं ना, ये तीन जो कार्ड्स हैं, ये लोग आपके जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं ना, आपके एंसेस्टर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मीन्स विल गाइड यू. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया देखिए यहाँ पे, फॉर श्योर. अगर आप अब तक सोच रहे थे ना भाई, मैंने बोला ना कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं बट वहाँ से भी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि अ न्यू लाइट इज़ कमिंग इन योर लाइफ. एक नई लाइट जो आप अपनी लाइफ में ना
चीज़ें जगमगाती हुई आप फील करोगे, रोशनी फील करोगे आप इस मंथ में, लाइट फील करोगे, रास्ते आपको दिखने लगे कि आप सोचोगे कि हाँ भाई इस नेगेटिविटी में भी ये पॉजिटिविटी है, ढूंढो और इसके तरफ बढ़ो, चलो ऐसा रहेगा ये जो कार्तिक मंथ है आपके लिए। लेट अस सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ये दो कार्ड्स आए हैं और जो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हुई हैं ना, आप बोलोगे नहीं पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लोगों की तरफ से ये था वो था, वो भी आपके बड़े थे उन्होंने वैसा किया, वो डेस्टाइन नहीं होनी, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर आया अगेन आई एम सीइंग अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ठीक है। और कुछ देखते हैं मैसेजेस हमारे इस ग्रुप के लिए। या स्ट्रेंज ओके नॉट स्ट्रेंज मे बी स्ट्रेंज फॉर यू नॉट फॉर मी। यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड, ओ माई गॉश, एंड हेयर इज एस्ट्रो नॉर्मल का कार्ड, एंड ओ माई गॉश जजमेंट योर पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई वॉज राइट, एक्चुअली आई वॉज वेरी राइट। अब तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी नहीं थी, अब तक आपकी मटेरियल लाइफ अच्छी नहीं थी, लाइफ में इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे। अगेन यहाँ पे आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो, विडो आई एम सॉरी सेपरेटेड हो सकते हो, कुछ भी है यहाँ पे ऐसा फॉर श्योर है, बट है या कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं आपके आइदर मदर के साथ या आप लोगों के साथ है स्टिल, या आपको हमेशा से ऐसा लगा होगा कि भाई अकेले रह जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, इनमें से कुछ ना कुछ फॉर श्योर है यहाँ पे। तो उसके इसमें यहाँ पे क्या है ना, यू पीपल आर स्ट्रॉन्ग एनफ, एक मदरली एनर्जी आप लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। आपकी लाइफ में ये मंथ आपके लिए इमेंस आपकी स्पिरिचुअल पावर को बता रहा है, ये वाला मंथ आपके, दैट यू पीपल आर वेरी स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल। धन लक्ष्मी की मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, लक्ष्मी संप्रदाय मेरे को वर्ड आया, कमी नहीं है, चाहे बोलो कि नहीं भी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, नहीं है कमी यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो आगे फ्यूचर में होगा जो कि आपको लगेगा कि हाँ सिक्योर हो, बैलेंस हो, फैमिली है, यू हैव किड्स बेबीज जो कि आपके फेवर में है। ये मंथ जो है ना आपको स्पिरिचुअली आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बहुत फास्टन करने वाला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खोलने वाला है, फास्टन करने वाला है, पास के कुछ साइकिल्स को कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टेंटन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, एकदम से प्रोग्रेस को हो सकता है ना, सालों से कोई चीज़ रुकी होती है अचानक से वो ना आपको पता नहीं होगा कि वो स्टार्ट होने वाली है फिर से, या कुछ हद तक हुई होगी फिर रुकी होगी, तो फिर से होने वाला है ऐसे। आप लोगों का जर्नी अभी आगे बहुत बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा हुआ है आपका जर्नी। ये रीडिंग बहुत ही अमेजिंग है, इसको ना हम मैं मतलब अगर हम चाहें बिलीव मी हाफ एन आवर के लिए हम इसको और खोल कर रख सकते हैं, बट टुडे आई हैव ओनली दिस मच टाइम। ग्रुप नंबर 3 बिलीव मी मंथ साइकिक स्पिरिचुअल वाइज आपके लिए एक माइलस्टोन रहेगा, माइलस्टोन रहेगा ये मंथ, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो, इन ये जो आपके आ रहे हैं आपके, आपका गेटवे ओपन हो रहा है, इट्स लाइक योर गेटवे इज़ गोइंग टू ओपन इन दिस मंथ, ठीक है। सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी कार्तिक मंथ, बाय बाय।